अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साथ साथ खेल कूद भी चल रहा है, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा नया चैप्टर हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा था भाई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये क्या थी? ये बड़ी ज़बरदस्त सी मज़े की डायरी थी अहमद साहब की। उन्होंने अपने पूरे दिन की रोदात हमें सुनाई थी कि भाई सुबह से उनके साथ में क्या क्या हुआ था, उन्होंने डायरी में लिखा था। और देखें डायरी लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि वो हमें भी पढ़ने को मिल गई और हमने भी बहुत इन्जॉय किया कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन साथ में हमें ये सबक भी मिला कि हमें जो है हर काम आराम से एहतियात से करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर काम जल्दी जल्दी करते हैं, गुस्से में करते हैं, तो काम बिगड़ते चले जाते हैं, है ना, जैसे कि अहमद साहब के बिगड़ते जा रहे थे, है ना भाई। ये काम हमने सीख लिया, ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई हमने आइंदा जो भी काम करने हैं आराम से करने हैं, एहतियात से करने हैं। और अगर कभी कहीं उसी बात पे गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्से में काम नहीं करना है, बिल्कुल आराम से एहतियात से काम करना है। चलें जी जनाब, मुझे ये बताइए कि भाई हमने जो ये सबक पढ़ा था तो इसमें सुबह ही सुबह उनके साथ क्या हुआ था? अहमद के साथ में बिजली चली गई थी, बिल्कुल जी, बिजली भी नहीं थी उनके पास। और जब उन्होंने निकाला खीर का प्याला तो उसके साथ क्या हुआ था? वो लड़के सीधा सालन में गिर गया था, शाबाश। और जब वो गए थे टीचर यानी कि स्कूल में तो क्या हुआ था? उनका बैग टीचर की मेज से टकराया और फिर टीचर से फिर डांट पड़ गई थी उनको, है ना। अच्छा जी, उसके बाद आखिर में क्या हुआ था? जब उनकी घर पहुंचे और अम्मी घर पे नहीं थी तो उन्होंने क्या सोचा, क्या किया? कूद गए दीवार से और उनकी कमीज की जेब फंस गई कील में और फट गई थी जनाब। घर पहुंचे तो उनके पास खाने को तैयार नहीं था सालन, तो उन्होंने सोचा मैं क्या खाऊंगा, दही खा लेता हूँ चीनी डाल के। और क्या हो गया था? दही में उन्होंने गलती से नमक डाल दिया था जी जनाब। और शाम में जब बेचारे निकले थे खेलने के लिए, उन्होंने मारी फुटबॉल को किक, तो फिर क्या हुआ था उनके साथ? फुटबॉल चली गई थी पड़ोसी की खिड़की तोड़ के उनके खाने की मेज पे। ओफो, उसके बाद रात को उन्होंने क्या सुना था? अम्मी अब्बू का लेक्चर सुना था। और फिर वो क्या सोच रहे थे अपने कमरे में जाते हुए कि भाई सब मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जी जनाब। इस तरह से हमारी डायरी कंप्लीट हो गई थी। हमें इसका मतलब है कि डायरी अच्छे से समझ में आ गई है। तो हम करते हैं हम अपनी मश्क सबक की। खोल लीजिए अपनी किताब, सफ़ा नंबर 64 यहाँ खुल गया है। तफहीम की मश्क मौजूद है। और क्या दिया गया है? दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए दर्ज ज़ेल जुमलों के सवालात बनाइए, यानी कि हमें जवाबात दे दिए हैं, जवाबात के आखिर में हमें सवाल या लफ्ज़ दिया गया है और उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या बनाना है? सवाल बनाना है, बिल्कुल जनाब, हमने सवाल बनाना है। सवाल या लफ्ज़ यहाँ मौजूद है, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे सवाल अपने। देखते हैं हमारे पास जवाब क्या है। पहला जवाब है, अम्मी ने फ्रिज से दूध का डब्बा निकालने को कहा। अम्मी ने फ्रिज से दूध का डब्बा निकालने को कहा। सवाल या लफ्ज़ है हमारे पास क्या? क्या? तो हमारा लफ्ज़ क्या, सवाल क्या बनेगा भाई? अम्मी ने फ्रिज से क्या निकालने को कहा। तो दूध का डब्बा को हम छुपा लेंगे और लफ्ज़ बनाएंगे हमारा क्या आ जाएगा और जुमला बन जाएगा, सवाल क्या बन जाएगा? अम्मी ने फ्रिज से क्या निकालने को कहा, सवालिया निशान। और इसका जवाब है, अम्मी ने फ्रिज से दूध का डब्बा निकालने को कहा। अम्मी ने फ्रिज से दूध का डब्बा निकालने को कहा। जवाब नंबर दो है, अहमद स्कूल से आया तो अम्मी पड़ोस में थी। अहमद स्कूल से आया तो अम्मी पड़ोस में थी। सवालिया लफ्ज़ मौजूद है, कहाँ कहाँ कहाँ? तो हम इसका सवाल क्या बनाएंगे? अहमद स्कूल से आया तो अम्मी कहाँ थी? पड़ोस को हम छुपा लेंगे और उसकी जगह लिखेंगे कहाँ कहाँ। क्या बनेगा हमारा सवाल? अहमद स्कूल से आया तो अम्मी कहाँ थी, सवाल या निशान। अहमद स्कूल से आया तो अम्मी कहाँ थी, सवाल या निशान। जवाब है इसका, अहमद स्कूल से आया तो अम्मी पड़ोस में थी। जवाब नंबर तीन है, क्लास में अहमद का बैग
टीचर की मेज से टकराया। क्लास में अहमद का बैग टीचर की मेज से टकराया। क्लास में अहमद का बैग टीचर की मेज से टकराया। सवाल या लफ्ज मौजूद है हमारे पास ब्रैकेट में किस किस किस। सवाल बनेगा हमारा क्या, क्लास में अहमद का बैग किस चीज से टकराया। तो टीचर की मेज को हम छुपा लेंगे, उसके बजाय लिखेंगे किस। क्लास में अहमद का बैग किस चीज से टकराया, सवाल या निशान। जवाब बनेगा क्लास में अहमद का बैग टीचर की मेज से टकराया था। जवाब नंबर 4 है, अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर रात में सुना। अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर रात में सुना। सवाल या लफ्ज हमारे पास मौजूद है कब 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 सुना था भाई जी। अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर कब सुना, तो रात को हम छुपा लेंगे क्योंकि वो है जवाब ना। तो हमारा सवाल बनेगा अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर कब सुना, सवाल या निशान। अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर रात में सुना, ये हो गया हमारा जवाब। सारे सवाल बना लिए हमने, अब एक दफ़ा दोहरा लेते हैं सारे सवाल जवाब। अम्मी ने फ्रिज से क्या निकालने को कहा, अम्मी ने फ्रिज से दूध का डब्बा निकालने को कहा। अहमद स्कूल से आया तो अम्मी कहाँ थी, अहमद स्कूल से आया तो अम्मी पड़ोस में थी। क्लास में अहमद का बैग किस चीज़ से टकराया था, क्लास में अहमद का बैग टीचर की मेज से टकराया था। अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर कब सुना, अहमद ने अम्मी अब्बू का लेक्चर रात में सुना। तो जनाब काम कंप्लीट हो गया, तफहीम की मशक हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से देखें, और देखने के बाद काम कंप्लीट करें। पेन से ज़रूर शॉप कर लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, देख के लिखिएगा। और काम सेंड करने से पहले क्या करेंगे, ज़रूर अपने मम्मा बाबा को या फिर अपने बड़े बहन भाई को ज़रूर रीचेक कराएंगे कि कोई गलती तो नहीं रह गई। उसके बाद अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।